नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है अंबाला कैंट जंक्शन से कानपुर सेंट्रल के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों के बारे में। और दोस्तों इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है संतोष सिंह ने। तो दोस्तों अंबाला कैंट जंक्शन से कानपुर सेंट्रल के बीच कुल 8 ट्रेनें चलती हैं, जिनमें 5 सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन और 3 मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इन ट्रेनों का अंबाला कैंट जंक्शन और कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर टाइम टेबल क्या रहता है। तो दोस्तों इनमें हमारी जो पहली ट्रेन है वो है 12470 जम्बू तवी कानपुर सेंट्रल बर्फानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। दोस्तों यह ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलने वाली सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, जो बुधवार व शुक्रवार को अंबाला कैंट जंक्शन से रात में 12:15 पर रवाना होकर उसी दिन दोपहर में 12:20 पर कानपुर सेंट्रल पहुंचती है। और यह ट्रेन अंबाला कैंट जंक्शन से कानपुर सेंट्रल की कुल दूरी 649 किलोमीटर को 54 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से 12:05 में तय करती है। और इस ट्रेन का 8 स्टेशनों पर ठहराव रहता है। और दोस्तों इस ट्रेन में आपको 3rd AC स्लीपर और जनरल क्लास के कोच मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारी जो अगली ट्रेन है वो है 18310 जम्बू तवी संबलपुर एक्सप्रेस। दोस्तों यह रोजाना चलने वाली मेल टाइप की ट्रेन है, जो रोजाना अंबाला कैंट जंक्शन से रात में 12:40 पे चलकर रोजाना दोपहर में 12:40 पे कानपुर सेंट्रल पहुंचती है। और यह ट्रेन अंबाला से कानपुर सेंट्रल की कुल दूरी 634 किलोमीटर को 12 घंटे में लगभग 53 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से तय करती है। और दोस्तों इस ट्रेन का 22 स्टेशनों पर ठहराव रहता है। और दोस्तों इस ट्रेन में 3rd AC स्लीपर एवं जनरल क्लास के कोच रहते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारी जो अगली ट्रेन है वो है 22432 उधमपुर इलाहाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस। दोस्तों यह सप्ताह में 2 दिन चलने वाली सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, जो सोमवार व गुरुवार को रात में 1:10 पे अंबाला कैंट जंक्शन से रवाना होकर उसी दिन दोपहर में 12:10 पे कानपुर सेंट्रल पहुंचती है। और यह ट्रेन अंबाला से कानपुर सेंट्रल की दूरी 641 किलोमीटर को 58 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से 11 घंटे में तय करती है। और इस ट्रेन का 9 स्टेशनों पे ठहराव रहता है। और दोस्तों इस ट्रेन में LHB श्रेणी के 2nd AC 3rd AC स्लीपर एवं जनरल क्लास के कोच रहते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारी जो अगली ट्रेन है वो है 12312 कालका मेल। दोस्तों यह रोजाना चलने वाली सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, जो रोजाना रात में 2:20 पे अंबाला कैंट जंक्शन से रवाना होकर उसी दिन दोपहर में 2:20 पे कानपुर पहुंचती है। और यह ट्रेन अंबाला से कानपुर की दूरी 634 किलोमीटर को 53 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से 12 घंटे में तय करती है। और इस ट्रेन का 18 स्टेशनों पर ठहराव रहता है। और दोस्तों इस ट्रेन में फर्स्ट एसी 2nd AC 3rd AC स्लीपर एवं जनरल क्लास के कोच रहते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारी जो अगली ट्रेन है वो है 15708 आम्रपाली एक्सप्रेस ट्रेन। दोस्तों यह रोजाना चलने वाली मेल टाइप की ट्रेन है, जो रोजाना दोपहर में 12 बजे अंबाला कैंट जंक्शन से रवाना होकर पुरानी दिल्ली के रास्ते उसी दिन रात में 10:45 पे कानपुर सेंट्रल पहुंचती है। और यह ट्रेन अंबाला से कानपुर की कुल दूरी 634 किलोमीटर को 59 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड से 10:45 में तय करती है। और इस ट्रेन का 11 स्टेशनों पर ठहराव रहता है। और दोस्तों इस ट्रेन में ICF श्रेणी के 2nd AC 3rd AC और स्लीपर और जनरल क्लास के कोच रहते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारी जो अगली ट्रेन है वो है 12380 जलियावाला बाग एक्सप्रेस ट्रेन। दोस्तों यह साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन है, जो रविवार को दोपहर में 3:20 पे अंबाला कैंट से रवाना होकर पुरानी दिल्ली के रास्ते सोमवार को 1:30 पे कानपुर पहुंचती है। और यह ट्रेन अंबाला से कानपुर की दूरी 634 किलोमीटर को 62 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से 10:10 में तय करती है। और इस ट्रेन का 1 स्टेशन पे ठहराव रहता है। और दोस्तों इस ट्रेन में LHB श्रेणी के 1st AC 2nd AC 3rd AC स्लीपर एवं जनरल क्लास के कोच रहते हैं।
इसके बाद दोस्तों हमारी जो अगली ट्रेन है वो है 22446 अमृतसर कानपुर सेंट्रल साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस। दोस्तों यह साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन है जो मंगलवार को शाम 4:55 पर अंबाला कैंट जंक्शन से रवाना होकर सहारनपुर रुड़की मुरादाबाद बरेली जंक्शन के रास्ते बुधवार को 4:50 पर कानपुर पहुंचती है और यह ट्रेन अंबाला से कानपुर सेंट्रल तक की कुल दूरी 649 किलोमीटर को 54 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से 11:55 में तय करती है। और दोस्तों इस ट्रेन का 7 स्टेशनों पर ठहराव रहता है। और दोस्तों इस ट्रेन में LHB श्रेणी की सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर एवं जनरल क्लास के कोच रहते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारी जो अगली ट्रेन है वो है 14218 उच्चाहार एक्सप्रेस। दोस्तों यह रोजाना चलने वाली मेल ट्रेन है जो रोजाना शाम में 5:30 पे अंबाला कैंट जंक्शन से चलकर पुरानी दिल्ली अलीगढ़ इटावा के रास्ते अगले दिन सुबह में 5:05 पर कानपुर पहुंचती है और यह ट्रेन अंबाला से कानपुर की दूरी 634 किलोमीटर को 55 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से 11:35 में तय करती है। और दोस्तों इस ट्रेन का 23 स्टेशनों पर ठहराव रहता है। और दोस्तों इस ट्रेन में सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर एवं जनरल क्लास के कोच रहते हैं। तो दोस्तों यह थी अंबाला कैंट जंक्शन से कानपुर सेंट्रल के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों की जानकारी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया है और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक व शेयर करना न भूलें और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से दबा लें ताकि चैनल पे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।